इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे एमएक्स क्लियर में किसी भी वीडियो को हाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले एमएक्स क्लियर ओपन कीजिए। आप जिस वीडियो को भी हाइड करना चाहते हैं उसको फोल्डर को ओपन कीजिए। जैसे मान लेता हूँ मैंने ये पहला वाला वीडियो हाइड करना चाहता हूँ, अपन इसलिए थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। आप रीनेम में चाहिए वीडियो को, देखिए नाम आ गया है सामने, उस नाम के आगे डॉट लगाना होगा, उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक हाइड हो गया। मैं बैक कर लेता हूँ। अभी आप थ्री लाइन पे टैप कीजिए, आप लोकल प्लेयर सेटिंग पे जाएंगे। देखिए लिस्ट देखिए सो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, आप यहाँ पर जा अगर टैप कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आप वीडियो फिर से आ जाएगा। देखिए पहले वीडियो आ गया। अब वापस चाहते हैं इस वीडियो को हाइड करना, अब वापस चाहते हैं वीडियो हाइड हो जाए, इसलिए आपको करना क्या होगा, थ्री लाइन पे टैप कीजिए, उसके बाद लोकल प्लेयर सेटिंग, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद सो हिडन फाइल्स और फोल्डर को अनचेक कर दीजिए। देखिए वो वीडियो हाइड हो गया। आप चाहते हैं किसी वीडियो को नहीं किसी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, तो उस फोल्डर पर टैप कीजिए, आप रीनेम पे टैप कीजिए, नाम पे पहले आप डॉट लगा दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए कैमरा वाला फोल्डर हाइड हो गया। आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो करना क्या होगा, थ्री लाइन पे टैप कीजिए, लोकल क्लियर सेटिंग, लिस्ट, सो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, तब टैप कर दीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए कैमरा वाला फोल्डर फिर से आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर कभी दूसरे वीडियो पे।